केएफसी चिकन, देसी का केएफसी मटन। थोड़े नाम के गांव में मिथुन नाम का व्यक्ति रहता था। वो एकदम आवारा था। एक दिन उसका दोस्त रंगा उसके पास आया। उसे देखकर मिथुन, क्यों भाई रंगा, आज गलती से हमारे गांव कैसे पहुंच गए भैया? तब रंगा, अरे यार घर में लोगों की गालियों से परेशान हो गया, जब देखो चिल्लाते रहते हैं, भाई काम करो काम करो काम करो हैं? अब तुम ही बताओ मुझ जैसे को एकाएक कोई काम कैसे देगा हैं? अरे यार काम करना बहुत मुश्किल है, ये तुमसे बेहतर कौन जानता है हैं? तब मिथुन, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है यार, तुम्हारे गाँव में कोई तो होगा जो एकदम बढ़िया बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया होगा, बस तुम उसकी नकल करो काम बन जाएगा। तब रंगा, अरे कमाल है यार, ऐसे घटिया आइडिया तुम्हारे पास ही मिलते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। हमारे गांव में जगदीश नाम का एक आदमी है जिसने केएफसी चिकन का नकल मारा और उसने केएफसी मटन करके एक ठेला शुरू किया है। उसके ठेले के सामने एकदम चकाचक लोगों की भीड़ लगी रहती है। सोचता हूँ उसी के ठेले के पास मैं भी एक ठेला खोल लूँ। भाई तुम इसमें मेरे पार्टनर बनोगे, मैं काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस मेरे पास खड़े रहो और मुझे सलाह देते रहो। दोनों मान गए। इस तरह जगदीश के ठेले के सामने ही उन दोनों ने केएफसी मटन का ठेला खोल दिया। रंगा जगदीश के धंधे को ठप करने के लिए मटन कम दाम में बेचने लगा, लेकिन फिर भी लोग जगदीश के पास ही जाकर उसका केएफसी मटन खाने लगे। एक महीना हो गया। ये सब देखकर एक दिन रंगा मिथुन से, यार ये क्या सब लोग जगदीश के पास जाके खा रहे हैं? अरे हमने मटन का दाम कम रखा फिर भी हमारे पास नहीं आ रहे, यार अब तक काफी नुकसान हो चुका है। तब मिथुन, यार हम सड़े हुए मांस इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से हम मांस के ऊपर ज्यादा मैदा का लेप लगा देते हैं, इसीलिए लोग हमारे पास नहीं आते खाने के लिए, इसीलिए मैं सोचता हूँ जरा दिमाग इस्तेमाल करते हैं, पड़ोसी गांव में जाते हैं और बकरी चुरा कर ले आते हैं, फिर उस बकरी के मांस से हम लोगों को एकदम बढ़िया केएफसी मटन खिलाया करेंगे, बस जगदीश हमारे दाम के साथ मैच नहीं कर पाएगा और वो धंधा छोड़कर भाग जाएगा। ये आइडिया दोनों को अच्छा लगा। इस तरह दोनों रात को पड़ोसी गांव जाने लगे और वहां से बकरी चुरा कर अपनी बाइक में उसे यहां ले आने लगे। इस तरह क्योंकि उन्हें मटन मुफ्त में मिलता था, वो कम दाम में ही केएफसी मटन बनाकर बेचने लगे। इस तरह लोग धीरे धीरे इनके पास आने लगे और जगदीश के पास कम जाने लगे। यूं ज्यादा लोग आने लगे और धीरे धीरे वे दोनों शादी का भी ऑर्डर लेने लगे। एक दिन उस गांव का सरपंच ने रंगा को बुलाया और अपनी बेटी के शादी में केएफसी मटन का उसने ऑर्डर दिया रंगा को। ये देखकर रंगा बहुत खुश हुआ। बाद में दोनों पड़ोसी गांव एक वैन लेकर गए और वहां रोका जहां वो हमेशा बकरियों की चोरी करते थे, और वहां पर खड़े बकरियों के झुंड के पास गए। वहां वे सब बकरियों को वैन में चढ़ाने लगे। यूं 10 बकरियों को वैन में चढ़ाने के बाद वे दोनों वैन में चढ़ ही रहे थे कि तभी बहुत सारे लोग डंडे लेकर वहां पहुंचे। अब बकरियों के मालिक सुब्बू रंगा से, क्यों रे कमीनो, तुम दोनों का बिल्कुल दिमाग नहीं है, हैं? अरे इस गांव में और भी बहुत सारे लोग हैं जो बकरी पालते हैं, फिर भी तुम हर रोज मेरे ही पास आकर मेरे ही बकरी चुराते हो, हैं? अब तुम ही बताओ, हर रोज अगर बकरियां कम होती गईं तो पहरा नहीं देगा क्या कोई, हैं? इतनी सी भी अकल नहीं है तुम दोनों को? तब रंगा, अरे भैया हमारी बकरियां एकदम हट्टी कट्टी होती हैं और यहाँ से चुरा कर ले जाना आसान भी है, और बाकी सब बकरी वाले कमीने हैं, उन्होंने कुत्ते पाल रखे हैं पहरा देने के लिए, बस एक तुम ही हो जिसने कुत्ता नहीं रखा, तुम मूर्ख हो भैया। ये सुनकर सब लोगों ने मिलकर उन दोनों को खूब मारा। उसके बाद उन दोनों को एसआई के पास सौंप दिया। इस तरह फिर से जगदीश के पास केएफसी मटन के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। एक दिन उन लोगों में से एक आदमी जगदीश से, अरे भाई जगदीश तुम यूँ खामोश कैसे रहते हो, जब हम सब तुम्हें छोड़कर उस रंगा के पास मटन खाने के लिए गए तब भी तुमने कुछ नहीं बोला, अब दोबारा तुम्हारे पास खाने के लिए आए हैं अब भी तुम कुछ नहीं बोलते, भाई बात क्या है? तब जगदीश, भाई साहब मैं जो धंधा कर रहा हूँ लोगों को पसंद आनी चाहिए और लोग मेरे पास आने चाहिए, लोगों को मेरे मटन का क्वालिटी पसंद आना चाहिए, अगर उन्हें अच्छा लगा तो चाहे जितनी देर क्यों ना हो वो प्रतीक्षा करेंगे। भाई साहब कुछ भी हो फैसला आप ही लोगों का है, जनता जनार्दन का, मैं भला क्या कर सकता हूँ, एक अच्छे क्वालिटी का वस्तु आपको मैं पेश कर सकता हूँ, बस ऐसा कहा। ये सुनकर वहाँ खड़े सब लोगों ने जगदीश की सोच की प्रशंसा करते हुए ताली बजाई। उस दिन से जगदीश का देसी मटन और मशहूर हो गया।